हाँ जी बाबे सत श्री अकाल जी पी बी काफ चैनल से बाबे थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत आ। सो सारों पहले जाके बाबे अपना चैनल सबसक्राइब करो, थले कमेंट करके दसो वीडियो किमें की लगी, जो वधिया लगी लाइक कर दो, नहीं कोई चक्कर नहीं। दूजी चीज़ आगे वीडियो पूरी देखो, वीडियो अपनी होने वाली है डी जी आई पॉकेट टू के बारे तो आप बारे गलबात करते हैं कि किमें दी आपको की फीचर मिलते हैं, किमें दी कैमरा क्वालिटी आ, होर आप सिनेमैटिक वीडियो किमें आप शूट कर सकते हैं, तो एंड जाके तो सारा रिजल्ट भी दिखावे कि इदा की वीडियो शूट कर सकते हैं, आ सीन आ पाई यदा। तो जुड़े रहो नाल इंस्टाग्राम से, आप मैसेज कर लो, होर कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हुई तो बाकी चलो फिर कर दें वीडियो शुरू। हाँ जी, ये जी अपनी अज की वीडियो का विषय डी जे आई पॉकेट टू। मैं ये वीडियो टिकटॉक से पाई सी, तो वधिया हुंगारा मिलिया, सब ने कहा कि भाई डिटेल के वीडियो बनाते, मैं सोचा कि एक वीडियो हम डिटेल के यूट्यूब पर पावे, टिकटॉक की 3 मिनट की वीडियो तो नहीं आप उन्नी गल कर सकते है ना। तो बाकी बाबे जी आप फोटो की तो वीडियो की क्वालिटी की गल करिए, वीडियो के करता 4K 60 FPS, 1080p करता है, 120 FPS जिसमें आप स्लो मोशन कह दें। तो जे फोटो की गल करिए 54 MP की फोटो खिंचता है, रॉ दे खिंचदा है ना। वीडियो भी अपन जी कलर प्रोफाइल आ वो दो मिलती है, एक फ्लैट तो एक नॉर्मल होंगी है ना। फ्लैट का नाम इन्होंने डी जी आई वाले ने रखा हुआ वा डी सिने लाइक। तो फिर ये टच स्क्रीन है तो बहुत छोटी आ, पर मतलब आप इन्ना का भी जो आप जिन्ना भी मैनुअल सैटिंग करनी है वो सारी आप इतों कर सकते हैं, जो जो चीज़ आप चेंज करनिया ने, फोटो कैप्चर करनी, वीडियो कैप्चर करनी है, किन्ने FPS हो जो भी चीज़ा ने, फ्लैट कलर प्रोफाइल रखनी है, नॉर्मल रखनी है, सारिया चीज़ आप इतों सैटिंग कर सकते हैं ना। तो दूजी चीज़ है कि जो थोड़े नाले को डुएट हॉल जो हैंडल अंगूठे तो हेठला पार्ट ये हैंडल एक वक्रा, जो थोड़े को भी आ फिर तुम इन बिना किसी झजक के फोन भी अटैच कर सकते हैं। तो जे तुम ये कॉम्बो बाय करते हो तो वायरलैस वाला जो माइक आलता, तो यदि क्वालिटी बड़ी घेंट आ, मतलब तुम कैमरा कितने होर ला के 20 मीटर 50 मीटर दूर जाके तो वीडियो कैप्चर करनी है आरामदारी कर सकते हैं, हम तुम यदि क्वालिटी दिखाने। हाँ जी, आ वीडियो शूट हो रही है डी जी आई पॉकेट टू के नाल, तो आडियो जी डी जी आई जो वायरलैस माइक आया वो रिकॉर्ड हो रही है, तो आडियो क्वालिटी तुम दे सकते हैं। एंटी फिल्टर अपने लाया हुआ 8 नंबर का, तो 4K 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो क्वालिटी तुम दे सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली एक तुहानू ऑडियो का करके सिर्फ की सी, बाकी वीडियो आप अगे शूट कर रहे हैं, सारी पॉकेट टू के शूट करनी है, तो देखो चल के क्वालिटी। सो हाँ जी बाबे, जो सन पहला शॉट कैप्चर करना वो फेक ड्रोन शॉट कैप्चर करना आप, जी मैं सैटिंग रखी है 4K 30 FPS, तो वो स्टिक चाहिए है, पर स्टिक अपने को नहीं, मोनोपोड पिया से, सो आप यूज़ कर रहे हैं। तो एंटी फिल्टर लग्या हुआ नंबर 8 का, तो आप हम तुम मैं दस दा कि शॉट आप किमें कैप्चर करना है ना। आ कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जोड़ा शॉट होगा वो अपने पॉकेट के होगा कैप्चर। तो हम तुम दस दें कि शॉट जोड़ा होगा वह मतलब किमें का शॉट आता, तो आप किमें कैप्चर करना। तो दरख्त के आप दिए कैमरा लेके जाना, तो जिन्ना हो सके अपना हाथ है जोड़ा है ना वो बैलेंस रखना कि कैमरा ज़्यादा हिले ना, तो थोड़ा जहा तेजी ना जावे तो करके आप 4K 60 कर रहे हैं कि जी मतलब अपनी स्पीड उन्होंने बाद चो आप स्लो डाउन कर सकी है ना। चलो ये शॉट अपना हो गया कैप्चर। तो एक चीज़ होर आ बाबे, जे बड़ा कैमरा हो अगला देख के समझ भी आता भी यार फोटोग्राफी कर रहा, पर हम छोटे छोटे कैमरे आ बंदे पता भी नहीं लगता भी की कर रहा, हूँ जो भी आसे पास लोग हैं देखना तो अगला समझूगा यार ये दिमाग च फर्क पिया हो, पर ये मतलब इदा ही भी आपका थोड़ा जहा इग्नोर जहा करके किसी लग्या रहे है ना, बेशर्म जहा हो गए वो हिसाब है यदा। तो बाकी आज आप अगला शॉट कैप्चर करते हो, तुम दस दें किमें करना मैं। तो जोड़ा बाबे अपना अगला शॉट होगा वो भी एक तरह का फेक ड्रोन शॉट ही होगा, वो कि आप कैमरा इदा थल्ले उपर चकना है ना, तो वह मतलब इदा लगेगा जिमें ड्रोन उपर उड़ रहा हों। सो वो किमें आप करना, जिनी आप लंबाई तो मतलब फड़ सकते हैं है ना मोनोपोड में उन्ना दूरों फड़ लेना, गिम्बल की सैटिंग उ रखनी है टिल्ट लॉक से।
स्क्रीनशॉट किवें कैप्चर करना आपां जमां थल्लों शुरू करना थले बैठ के किनारे तो फड़ के है ना मोनोपॉड में जिनी थोड़ी को लंबी स्टिक होवे उन्ना वधिया ते आपां एकदम ताणू उठना जिन्ना उच्चा जा सकते हो उन्ना जाओ जिनी थोड़ी हाइट हैगी आ तो बाबे जिहड़ा आपां अगला शॉट कैप्चर करना उहदे लई तुहानूं किसे साइकल स्कूटर दी जां ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ 60 ਫਿੱਟ ਖਾ ਲਿਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੰਬਲ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਟਿਲਟ ਲੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ